सैमसंग का मतलब है लोगो, कोरिया में सैमसंग का मतलब है थ्री स्टार्स, जबकि एप्पल कंपनी के आईफोन का मतलब है आई स्टैंड फॉर इंटरनेट इंडिविजुअल इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। एप्पल कंपनी का मेन हेडक्वार्टर अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में है, जबकि सैमसंग का मेन हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है। एप्पल कंपनी को बनाने वाले रोनल्ड वेन, स्टीव वॉजनिक, स्टीव जॉब्स हैं, जबकि सैमसंग कंपनी के फाउंडर ली बैंग चल हैं। एप्पल कंपनी का आगाज 1 अप्रैल 1976 में हुआ था, जबकि सैमसंग कंपनी का आगाज 1 मार्च 1938 में हुआ था। एप्पल कंपनी का सबसे महंगा फोन आईफोन 12 मैक्स प्रो है, जिसकी कीमत 1.29 लाख है, जबकि सैमसंग कंपनी का सबसे महंगा फोन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है, जिसकी कीमत 1.65 लाख है। एप्पल कंपनी का पहला आईफोन 2G था, ये 9 जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था, जबकि सैमसंग का पहला फोन SH100 था, जो 1998 में लॉन्च हुआ था। एप्पल कंपनी की नेट इनकम 2021 में $8.96 बिलियन है, जबकि सैमसंग कंपनी की नेट इनकम 2021 में $23.7 ट्रिलियन है। एप्पल कंपनी के आईफोन में जो डिस्प्ले यूज होता है वो सैमसंग कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर टॉप 100 डिजिटल रैंकिंग कंपनीज की बात की जाए तो सैमसंग तीसरे नंबर पर और एप्पल कंपनी पहले नंबर।